हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 33वां मैच खेला जाएगा उसके बारे में, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इस मैच का डीपली हम एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन सा प्लेयर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा और किसे अपने टीम में रखना है किसे नहीं रखना है। ठीक है, तो आज के मैच में आपको हार्दिक पांड्या क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए सीधा सीधे हम चलते हैं नोटपैड में, आपको दिखाते हैं कि हमने किन किन प्लेयर को अपने टीम में रखना है या नहीं रखना है। तो सीधा सीधे चलते हैं नोटपैड में। तो नोटपैड को हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सक रहे होंगे कि इंडिया और श्रीलंका का मैच है, ये आपका 33वां मैच खेला जाएगा 2 नवंबर दोपहर 2 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दोनों टीमों के बीच में अभी जो टोटल मैचेस खेले गए हैं वो टोटल 80 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया 51 मैचेस जीते हैं और श्रीलंका 27 मैच जीते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का पड़ाव कितना भारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे, फिर श्रेयस अय्यर आएंगे, 5वें नंबर पर लोकेश राहुल आएंगे, 6ठे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे और 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8वें नंबर पर कुलदीप यादव, 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10वें नंबर पर मोहम्मद शमी और 11वें नंबर पर आपका मोहम्मद सिराज आएंगे। तो इस तरीका से इंडिया का प्लेइंग 11 ये हो सकता है। अब देख लेते हैं श्रीलंका का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, उसमें कौन कौन से प्लेयर चेंज हो सकता है नहीं हो सकता वो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर पी निशंका, उसके बाद करुणा रत्ने साथ में ओपनिंग करेंगे, फर्स्ट डाउन आएंगे कुशल मेंडिस, फिर समा विक्रमा, उसके बाद सी एस लंका है, डी सिल्वा है, उसके बाद एंजेला मैथ्यूज है, उसके बाद आज थिक्साना है, शमीरा है, रंजिता है और मधुशंका है। तो इस तरीका से दोनों टीमों का प्लेइंग 11 ये रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे रिसेंट में कुछ मैचेस खेले गए हैं उसमें क्या रिकॉर्ड रहा है वो चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ से देख सक रहे होंगे कि 24 अक्टूबर 2023 को ये मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें से साउथ अफ्रीका 382 रन 50 ओवर में बनाए, वहीं बांग्लादेश 233 पर ऑल आउट हो गई थी। तो इस मैच को साउथ अफ्रीका 149 रन से जीत लिया था और उससे पहले एक मैच खेला गया था आपका 21 अक्टूबर 2023 को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था, जिसमें से साउथ अफ्रीका फिर 399 रन बनाए थे 50 ओवर में और इंग्लैंड को 170 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इस मैच को 229 रन से फिर से साउथ अफ्रीका जीत लिया था इस ग्राउंड पे। अब आगे बात करते हैं, उससे पहले एक मैच खेला गया था 2023 में, ठीक है, 17 मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 188 पर 10 विकेट 35 ओवर में मतलब कि खत्म हो गया मैच, ऑल आउट हो गया। उसके बाद इंडिया 151 रन 39 ओवर में बना लिया था, उस मैच को जीत लिया। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट में इस पिच पर स्पिनर को ज्यादा विकेट मिलता है पेसर्स को मिलता है वो चीज हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं स्पिनर को 2 विकेट, एक मिनट, स्पिनर को 2 विकेट आपको मिल रहा है, उसके बाद 2 विकेट और 1 विकेट 3 विकेट, यहाँ पर पेसर्स को देखिए 9 विकेट और 3 विकेट 12 विकेट, फिर से स्पिनर को 1 विकेट और 2 विकेट, पेसर्स को देखिए 5 विकेट और 8 विकेट। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि पेसर्स का यहाँ पे बोलवाला होता है, यहाँ पर हर जितना भी पेस बॉलर है सभी को ज्यादा से ज्यादा विकेट मिलता है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि इंडिया के तरफ से कौन कौन से बल्लेबाज है जो श्रीलंका के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ से देख सक रहे होंगे जैसे कि हार्दिक पांड्या 16 मैच खेले हैं जिसमें से 12 का एवरेज है, कुछ खास है नहीं। ईशान किशन 4 मैच खेले हैं जिसमें से 38 का एवरेज है। जसप्रीत बुमराह तो बॉलर है, इनका कुछ कहना ही नहीं है। लोकेश राहुल 10 मैच में 41 का एवरेज है, इनको आप अपने टीम में रख सकते हैं। रविंद्र जडेजा 43 का एवरेज है, रोहित शर्मा 47 का एवरेज है। तो रोहित शर्मा का फॉर्म अभी बहुत जोरदार चल रहा है, आप रोहित शर्मा के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं अगर इसमें लीग कट मतलब इसमें लीग खेलते हैं तो।
तो आगे देख लेते हैं, श्रेयस अय्यर का देखिए 6 मैच में 42 का एवरेज है, उसके बाद सुमन गिल का देखिए 63 का एवरेज है। तो सुमन गिल आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मोस्ट पिक होंगे, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सूर्य कुमार यादव, 4 मैच में 42 का एवरेज है, ठीक है। और विराट कोहली का तो कुछ कहना ही नहीं, 62 का एवरेज है इनका भी, ठीक है। तो इस तरीका से इंडिया टीम का बल्लेबाजी रहता है श्रीलंका के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि इंडिया टीम का बॉलर श्रीलंका के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करते हैं। तो फिर से आते हैं हार्दिक पांड्या पे, तो हार्दिक पांड्या देखिए 16 मैच में 16 विकेट, पर मैच 1 विकेट का एवरेज रहता है। जसप्रीत बुमराह 12 मैच में 25 विकेट, ठीक है, इकोनॉमी देख लीजिए तो 4 का रहता है। उसके बाद कुलदीप यादव 11 मैच 18 विकेट, उसके बाद मोहम्मद शमी 5 मैच 6 विकेट, मोहम्मद सिराज 5 मैच 16 विकेट, और अश्विन 20 मैच 32 विकेट, रविंद्र जडेजा 29 मैच में 27 विकेट। तो सभी बॉलर लगभग लगभग अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छे विकेट निकाल रहे हैं। तो आप जो भी बॉलर आपको बेस्ट लगे उनको अपने टीम में जरूर जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इस ग्राउंड पे श्रीलंका का परफॉर्मेंस कैसा रहता है बल्लेबाजी में। तो यहाँ देख सकते हैं करुणा रत्न ने 6 मैच खेले हैं, 6 मैच में आपका 30 का एवरेज रहता है। सी श्रीलंका का 8 मैच में 23 का एवरेज रहता है, उसके बाद डिसिल्वा का 24 का रहता है, धन डी सनाका का 26 का रहता है। तो यहाँ पे देखिए कुशल रंजीता का 41 का है जो कि बॉलर है, और यहाँ बैट्समैन में देखा जाए तो पी निशंका का 26 का रहता है, ठीक है। और समा विक्रमा जो है इनका 3 मैच में 19 का एवरेज रहता है। ये चीज आप देख लीजिएगा इस ग्राउंड पे। और आप देख लेते हैं कि यहाँ पे जो विकेट लेने वाला बॉलर है वो क्या करते हैं श्रीलंका की तरफ से, ठीक है। श्रीलंका की तरफ से देखिए एंजेला मैथ्यूज 40 मैच खेले हैं जिसमें से आपका 31 विकेट निकाले हैं। और यहाँ पर देखिए करुणा रत्न ने 6 मैच में 5 विकेट, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो कुशल रंजीता 6 मैच में 8 विकेट, और ऐसा एक कुमारा जो है 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं। तो इस तरीका से आपका श्रीलंका का बॉलर बॉलिंग करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस स्टेडियम पे इंडियन बैट्समैन का क्या बल्लेबाजी करने का रहता है तजुर्बा, वो देखिए लोकेश राहुल का एवरेज 122 का रहता है 2 मैच में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका हार्दिक पांड्या, कुछ खास नहीं 20 का एवरेज रहता है। रविंद्र जडेजा का 3 मैच में आपका 70 का एवरेज रहता है, और शुभमन गिल का भी 20 का एवरेज है। बाकी विराट कोहली का देख लीजिए 53 का रहता है। तो विराट कोहली आपके लिए इम्पोर्टेंट पिक हो गए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। अगर 2-4 टीम बना रहे हैं तो उसमें RGL खेल रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसी स्मॉल लीग के लिए तो खैर मोस्ट नंबर 1 पिक आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि हार्दिक पांड्या यहाँ पे 2 विकेट ले रहे हैं 2 मैच में, उसके बाद बुमराह 1 विकेट ले रहे हैं 2 मैच में, कुलदीप यादव देखिए 3 मैच में 2 विकेट ले रहे हैं, शमी 2 मैच में 3 विकेट ले रहे हैं। इस ग्राउंड का बात बता रहे हैं, सिराज 1 मैच में 3 विकेट, अश्विन 1 मैच में 3 विकेट, रविंद्र जडेजा 3 मैच में 4 विकेट। तो सभी बॉलर का लगभग लगभग परफॉर्मेंस एवरेज रहता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि श्रीलंका की तरफ से एक बल्लेबाज है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करता है, जो एंजेला मैथ्यूज है, देख सकते हैं आप, ठीक है। 1 मैच में 41 का एवरेज है, 1 मैच में 1 विकेट लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, की प्लेयर देख लीजिए दोनों टीमों की। तो दोनों टीमों की प्लेयर आपका ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। अगर मैं इसको बारीक से बताने लगा तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रुकूंगा और चलते हैं सीधा सीधे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में, वहां पे जाके हम लोग टीम क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हम लोग टीम क्रिएट करेंगे। तो ड्रीम इलेवन हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ देखिए इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। अब बात रह गया कि इस मैच का हमें टीम बनाना है, तो पहले हमें इस मैच को सेलेक्ट करना होगा कि जो इंडिया और श्रीलंका का मैच, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद क्रिएट टीम पर क्लिक करेंगे,
उसके बाद कुशाल मेंडिस विकेट कीपर सेक्शन से, लोकेश राहुल, समा विक्रमा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, टी निशंका। उसके बाद आ जाइए आपका रविंद जडेजा, एंजेला मैथ्यूज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो उसके जगह पर कुलदीप यादव को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका कैप्टन वाइस कैप्टन का बात कर ले तो कैप्टन तो सभी का देख लीजिए, यहाँ पर ही रोहित शर्मा रहने वाले हैं, लेकिन मैं विराट कोहली को बनाऊंगा। और वाइस कैप्टन का बात करें तो जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरह से देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।